उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजनांदगांव के ग्राम कुमरदा से लगे सागर गांव में भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस घोटाले का नाम है, आतंकवाद का नाम है, कांग्रेस ने नौजवानों को उकसाने का काम किया है। कांग्रेस के समय गरीब भूखे मरते थे, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को पूरी लूटने का भरपूर प्रयास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि राजनांदगांव से कांग्रेस ने यहां के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्रत्याशी बनाया है, जिन पर शराब घोटाले, कोयला घोटाले, पीएससी घोटाले, गौठान घोटाले और महादेव ऐप के घोटाले का आरोप है और एफआईआर भी हो चुकी है। वह व्यक्ति पूरी ठसन के साथ चुनाव लड़ने का दुस्साहस कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वह ये मानकर चलता है कि हम कितना भी बड़ा अपराध करेंगे, समाज की आंखों में धूल झोंक कर सत्ता हथिया लेंगे। पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास किया और मुझे तो बताया गया कि इस प्रतिष्ठित सीट पर कांग्रेस ने यहां के पूर्व मुख्यमंत्री को श्री भूपेश बघेल को ही अपना प्रत्याशी बनाकर के उतारा है, यानी जिनके ऊपर पहले से ही शराब घोटाले का, कोयला घोटाले का, पब्लिक सर्विस कमीशन के घोटाले का, डीएमए घोटाले का, गोठान घोटाले का और महादेव ऐप के घोटाले का आरोप हो और एफआईआर भी लॉज हो चुकी हो और व्यक्ति पूरी ठसक के साथ चुनाव लड़ने का दुस्साहस कर रहा है, इसका मतलब वह ये मान के चलता है कि हम कितना भी बड़ा अपराध करेंगे तो हम लोग समाज की आंखों में धूल झोंक करके सत्या त्याग लेंगे। अब नहीं होने वाला है, ये नया भारत है। नया भारत, नए भारत में घोटालेबाज नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। बहनों और भाइयों, घोटाले की हद तो शराब घोटाला, कोयला घोटाला, ये तो कांग्रेस की प्रवृत्ति थी। भूपेश बघेल जी ने तो अपने शासन काल में गोबर का भी घोटाला कर डाला। आप सोचो, जिन गरीबों को खाद के लिए पैसा मिलना चाहिए था, यूरिया दुनिया के अंदर मिल रही है 3000 रुपए बोरे में, वही 300 रुपए में भारत के अंदर भारत की सरकार, मोदी सरकार दे रही है। लेकिन ये तो यहां पर कांग्रेस की सरकार ने गोबर का भी घोटाला कर डाला। बहनों और भाइयों, यहां पर मैं सोचता हूं कभी कभी गोमाता को भी तस्करों के हवाले कर दिया गया था, कसाईयों के हवाले कर दिया गया था। लब जिहाद की घटनाओं को पूरी तरह छूट दे दी गई थी। एक